कोरोना संकट के दौरान फ्रंटलाइन में लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों के वेतन में कटौती किए जाने पर कांग्रेस ने निंदा जाहिर की है। प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टरों के एक दिन के वेतन को काटे जाने पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार पर तंज कसा है। राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन सुबह, दोपहर और शाम को बदल जाती है, जिस पर सरकार की किरकिरी हो रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के वेतन को काटना तर्कसंगत नहीं है और इसका पूरे जोर से विरोध करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना ने पांव पसारे हैं, पूरी दुनिया में पांव पसारे हैं, और जब हिंदुस्तान में भी कोरोना ने पांव पसारे, तो जो फ्रंट लाइन पे इस कोविड-19 में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर पर डॉक्टर्स की बात हुई, तो कई प्रदेश ऐसे थे जहाँ पर डॉक्टरों को डबल सैलरी जो है, जो लोग कोरोना महामारी से आगे फ्रंट लाइन में लड़ रहे थे, उनको डबल सैलरी देने की सरकारों ने बात कही। हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसी है कि इस सरकार ने सभी कर्मचारियों के, सभी डॉक्टर्स के, सभी पुलिस कर्मचारियों के जो फ्रंट लाइन पे भी लड़े, उनके भी एक दिन की सैलरी काटी। और हैरानी उस बात उसमें हुई कि इस सरकार ने जो डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर थे, उनकी 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ी थी, और ये जनवरी महीने से पहले की बढ़ी हुई है, और नोटिफिकेशन हुई है भाई कहता। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जो है उसको कैंसिल किया और उस नोटिफिकेशन को वापस लिया कि ये जो डॉक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाई थी 8 से 10 हज़ार रुपये, हम उसको वापस लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी सरकार है, इतिहास में ऐसी सरकार के नाम से जानी जाएगी, कि जो सरकार सुबह नोटिफिकेशन कुछ और करती है, दोपहर को लंच टाइम तक जो है वो कुछ में और विचार आ जाता है, और रात के डिनर तक और नोटिफिकेशन बदल जाती है, और नोटिफिकेशन हो जाती है। सरकार पे लोगों का विश्वास उठ गया। जो सरकार अपना विश्वास कायम करने में फेल हुई है और अपनी नोटिफिकेशन को रद्द करती है, अपनी नोटिफिकेशंस को चेंज करती है, मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि सरकार को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, जो नोटिफिकेशन करती है उसको कैंसिल करती है। और आज डॉक्टर जो हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोग फ्रंट लाइन में आके लड़ रहे हैं इस महामारी से और लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी की नोटिफिकेशन वापस लेना और डॉक्टरों का नुकसान फाइनेंशियली करना, मुझे लग रहा है कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि कोविड-19 के दौर में सरकार भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है, और पहले आयुर्वेदिक विभाग में दवाइयों की खरीद फरोख्त का घोटाला हुआ है, तो बाद में पीपीई किटों का गोलमाल हुआ है, जिसके चलते पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को भी इस्तीफा देना पड़ा है। राणा ने कहा कि आईजीएमसी में कोरोना टेस्टिंग किट खत्म होने की चर्चा की जा रही है, जिस पर सरकार के पूर्णतया फेल होने का पता चल रहा है। राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार कंफ्यूज्ड सरकार बनकर रह गई है। जो है चर्चा हो रही है कि आईजीएमसी में किट खत्म हो गई हैं, तो सरकार तो दावा कर रही है कि हमने लाखों की तादाद में किटें मंगवाई हैं, तो अगर किटें खत्म हो गई तो ये किटें गई कहाँ? कितने टेस्ट हुए आज हिमाचल प्रदेश में, टेस्ट कितने हुए? तो ये तो मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी तरह फेल है, और सरकार का ना प्रशासन पे पकड़ है, ना सरकार का सिस्टम पे पकड़ है, और सरकार कन्फ्यूज्ड गवर्नमेंट जो है, इसको नाम से जो है इसको लोग कह रहे हैं कि एक कन्फ्यूज्ड सरकार है, इसको कोई पता नहीं लग रहा है। वहीं अनुबंध पर लगे हुए चिकित्सा अधिकारियों को 150% ग्रेड पे पर नई नोटिफिकेशन पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी ऐतराज जताया है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार से हाल ही में प्राप्त पत्र में अनुबंध पर कार्य कर रहे डॉक्टरों के पे ग्रेड की नोटिफिकेशन वापस लेने को लेकर असमंजस बना हुआ है। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द इस वेतन विसंगति को दूर करें, अन्यथा संघ के पास संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो हमारे जो कुछ चिकित्सक थे कुछ जिले में, एक दो जिले में, एक दो ब्लॉकों में, उनको ये ग्रेड पे नहीं दी जा रही थी, तो हमने उसको अपने सीएमओ के माध्यम से उसको चीज़ को रिप्रेजेंट करा, लेकिन सरकार ने जो उसका जवाब दिया है वो कुछ गोलमोल तरीके से दिया है, और जवाब में जिन लेटर्स का जिक्र किया गया है 2011 और 2013 का,
वो जो लेटर है उनमें सिर्फ इंसेंटिव एरिया वाइज का जो है वो जिक्र किया गया है, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि उन हमारे जो अनुबंधित मेडिकल अफसर हैं उनको ग्रेड पे नहीं दी जाएगी। लेकिन अब जब से ये लेटर आया है तब से बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं उनमें आदेश दिया जा रहा है कि आपकी जो है आपको ग्रेड पे नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं क्या जो अनुबंधित मेडिकल अफसर है क्या वो सरकार के लिए काम नहीं कर रहा, क्या वो दूसरे अनुबंधित कर्मचारी जैसे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या वो उनकी तरह एक अनुबंधित कर्मचारी नहीं है। तो हमारी यही गुजारिश है कि जो 150% ग्रेड पे है हमारे नौजवान ये जो डॉक्टर हैं जो इस पैंडेमिक में कोरोना की इतना ज़बरदस्त रोल निभा रहे हैं, भाग भाग के जा जा के फील्ड में सैंपल्स ले रहे हैं, कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी ना किया जाए और जल्द से जल्द सरकार इस को क्लैरिफाई करे इस चीज़ को कि भाई उनको भी ये 150% जो ग्रेड पे है वो मिलेगी और जिनको नहीं दी गई है तो जिस डेट से जो नोटिफिकेशन हुई है उस डेट से ये 150% ग्रेड पे मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास बीइंग एसोसिएशन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है और हमें अगर संघर्ष का रास्ता इसके लिए अख्तियार करना पड़ेगा तो हम वो बड़ी खुशी खुशी अख्तियार करेंगे। और मेरे को लगता है कि सरकार को चाहिए कि वो इस एटलीस्ट पैंडेमिक के दौरान चीज़ों को थोड़ा सा हमारे डॉक्टरों के यंग डॉक्टरों के लिए समझे और इस ग्रेड पे को जो है यथावत जैसे बाकी प्रदेश के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए लागू है इसको आगे लागू रखा जाए।